अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टिक्स कबाब बनाएंगे। उसके लिए हमें कुछ मसालों की ज़रूरत है जो हमने मेंशन कर दिए हैं। चिकन कीमा लिया है 1/2 kg, बटर, आइसक्रीम स्टिक्स। चलिए बनाते हैं। एक बॉल लिया है, उसमें हम अपना कीमा डाल लेंगे। मसाले ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने यहाँ सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर ऐड करेंगे। बटर डालने से ये बहुत जूसी बनते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। चलिए हाथों से मिक्स करते हैं। हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है। कीमा मिक्स हो गया है, अब हम कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा कीमा लेंगे, स्टिक लेंगे, अब अच्छे से दबा दबा के बनाएंगे। ये कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। अच्छे से बनाएंगे। एक और बनाएंगे। ये कबाब बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही हम अपने सारे कबाब बना लेंगे। हमारे सारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे, दूसरा भी डाल देते हैं। एक और डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना सही ठीक से आ सकें उतना डालें। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कबाब तलने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए।
और फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। ये कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब इस पर हम बटर लगाएंगे। हमारे मज़ेदार से कबाब बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। बटर लगाने से ये काफ़ी जूसी बनते हैं। चलिए सर्व करते हैं।